अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप लोगों की बहुत फरमाइश पे, बहुत ज़्यादा कमेंट्स पे आज हम आपके लिए लेके आए हैं सिंधी बिरयानी। बहुत हटके रेसिपी है, आप घर में ट्राई करिएगा, फिर आप हमें बताइएगा। जिस तरीके से आप मेरे बाकी प्रोग्राम के लिए फीडबैक दे रहे हैं, कॉमेंट्स कर रहे हैं, इसी तरीके से बिरयानी के लिए भी मुझे कॉमेंट्स करिएगा। शनीला किचन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना तो ज़रूर करें, भूलिएगा मत, ठीक है? चलें, अब हम आपको बताते हैं सिंधी बिरयानी के लिए क्या क्या डलेगा। हमने 1 किलो चावल लिए थे सेला, जो हमने 2.5 घंटे पहले भिगो दिए थे और उसको 2.5 घंटे के बाद बॉयल कर लिए थे, ठीक है? इस तरीके से हमने इसे बॉयल करके रख लिए थे, ठीक है? हमने 1 किलो चिकन लिए, 6 अदद हमने प्याज ली के फ्राई कर ली थी, 4 बड़े चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया, 2 चम्मच हमने किसी भी हरी मिर्च ली वो भी इसके अंदर यूज कर ली, 1/2 कप हमने दही लिया है, बिरयानी मसाला आप घर का डालना चाहते हैं तो घर का बिरयानी मसाला डाल दें, जो आप कोई और सब डालना चाहते हैं तो वो डालें। ये हमारे घर का है तो हमने 3 टेबल स्पून बिरयानी मसाला लिया है, इसके अंदर आलू बुखारे वगैरह भी ज़्यादा देने, ये सिंधी बिरयानी बना रहे हैं। 1.5 चम्मच हमने इसके अंदर कुटी हुई मिर्ची डाली है, भुना हुआ कुटा हुआ जीरा है 2 चम्मच, एसेंस है बिरयानी का 1/2 कप, हमने इसके अंदर ऑयल लिया है, साबुत गरम मसाला है, ज़ीरा है इसके अंदर 1 टेबल स्पून और कसूरी मेथी है 1/2 टी स्पून, नमक हसबे ज़ायका डालेंगे, टमाटर लिए हैं हमने 2 अदद बड़े साइज़ के, उसको गोल गोल काट लिए इस तरीके से, और 1 टमाटर हमने पे लगाने के लिए लिया था उसको इस तरीके से गोल गोल काट लिया, 4 से 6 हरी मिर्चें लेंगे और पुदीना लेंगे। चलिए अब हम आपको बताते हैं किस तरीके से तैयार होगा। 1 किलो जो हमने चिकन ली थी वो एक बॉल में डाल लेंगे, जो हमने 6 अदद प्याज लिए थे इसको हाथ की मदद से ऐसे क्रश करके इसी के अंदर ऐड कर देंगे, ये अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे इसके अंदर, बिरयानी मसाला डाल देंगे, टूटी हुई मिर्ची डाल देंगे, भुना हुआ कुटा हुआ जीरा डाल देंगे, साबुत जीरा और कसूरी मेथी ऐड कर देंगे, ऑयल ऐड कर देंगे इसके अंदर, दही हमने जो 1/2 कप बताया था आपको वो ऐड कर देंगे, नमक डालेंगे हसबे ज़रूरत, अच्छी तरीके से सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और 1/2 घंटे के लिए रख देंगे। इसके अंदर हमने प्याज फ्राई करी थी तो इसी ऑयल के अंदर जो हमने मसाला लगा के रखा था 1/2 घंटे पहले वो इसी के अंदर कोरमे के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये गरम मसाला लेंगे साबुत, जिसके अंदर 4 से 5 हमने तेज पत्ता लिए, 1 बड़ी इलायची लिए, 4 से 5 हमने लौंग लिए और 6 से 10-12 हमने काली मिर्ची ली और दालचीनी ली 2 अदद, 1.5 इंच की 2 अदद ली, सब तेल में डाल दें। पंद्रह मिनट हो गए हैं हमें भूनते हुए, देखें कैसी शक्ल आ गई है इसकी, बिल्कुल भून चुका है ये, ठीक है? पानी बिल्कुल भी नहीं रहने देंगे, बिल्कुल खुश्क कर लेंगे। अब इसका चूल्हा बंद कर देते हैं और तेल लगाने, हल्का सा हमने इसको वॉश कर लिया था, उसी वक्त वॉश करिएगा ताकि चावल नीचे ना लगे, ठीक है ना? यह हल्का सा पानी डाल के और ऑयल डाल दिएगा, जो अमूमन खवातीन की वो होती है ना कि हमारे चावल नीचे लग जाते हैं, वो इसी वजह से लगते हैं कि हम डायरेक्ट मसाला डाल देते हैं, थोड़ा सा पानी में ऑयल मिला के भी डाल सकते हैं या मसाले का ऑयल जैसे इस तरीके से। चलिए मसाला डालेंगे, चावल हमने पहले से इसी वजह से बॉयल करके रखे थे। पुदीना काटेंगे नहीं, साबुत डालेंगे क्योंकि हम सिंधी बिरयानी बना रहे हैं, सिंधी बिरयानी में बहुत ज़्यादा मसाला डलता है। लेमन हो आपके घर में तो आप लेमन भी लगा सकते हैं। जर्दे का रंग ऐड कर देंगे, आप दही में मिला के डालना चाहें तो दही में मिला के डाल दिएगा या पानी में मिला के डालना चाहें पानी में, या आपके ऊपर है। ये एसेंस लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, वो इसके अंदर डाल देंगे बिरयानी का एसेंस, और ये टमाटर इस तरीके से लगा देंगे और हल्का सा नमक ऊपर से डाल देंगे। बिरयानी में हमेशा ऊपर से हल्का सा नमक डाल दिया करें, जो हल्का सा कम बढ़ती होता है वो सही हो जाता है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, ठीक है?
हमारे चावल दम पे आ गए हैं। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखें कैसे अलग अलग खिले खिले चावल हैं। मिक्स कर लेंगे। देखा नाज़रीन हमारी कितनी अच्छी सी फंदी बिरयानी है तैयार हुई है। आप घर में ट्राई करिएगा और हमें फीडबैक पे बताइएगा और कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसी लगी है हमारी बिरयानी की रेसिपी। बिल्कुल हटके हमने रेसिपी आपको बनाना सिखाई है। इसी तरीके से आप शनीला किचन को लाइक करते रहें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फैमिली मेम्बर जो जानने वाले हैं रिश्तेदार उन लोगों को हमारी वीडियो सेंड करें, उनको बोलें कॉमेंट्स करके हम बताएँ, ट्राई करें वो पहले, फिर उसके बाद हमें कॉमेंट्स में बताएँ। इसी तरीके से हमारी और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए दें इजाज़त। आपकी शेफ शनीला को अल्लाह।